क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हेयर इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट पार्टीशन एंड स्पेसिफिकली वी विल डील विद प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी ये पूरी बुक है इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम उन क्वेश्चंस को मार्क करते चलेंगे। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। डिस्प्लेस का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एंड रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं किसी भी चीज़ को री स्टैब्लिश करना या फिर दोबारा से इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन मतलब मिलाने से है, तो उन्हें री इंटीग्रेशन करना। ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट वन बट टू नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। एक देश आज़ाद नहीं हुआ, दो देश आज़ाद हुए, इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ पार्टीशन, द डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि ब्रिटिश इंडिया के दो डिवीज़न हो जाना, एक इंडिया के नाम से और एक पाकिस्तान के नाम से। द ड्राइंग ऑफ बॉर्डर, डिमार्किंग द टेरिटरीज ऑफ ईच कंट्री, मार्क्ड द क्यूमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट यू हैव रेड अबाउट इन अ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। यानी कि बेसिकली हमने हिस्ट्री बुक्स में ये पढ़ा है कि ये जो डिमार्केशन है, ये जो डिवीज़न है, ये क्यों हुआ, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, वो आप पहले पढ़ चुके हैं। एंड हेयर वी विल स्टडी अबाउट कि किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरीके से हमें पार्टीशन की बात हमने कर दी, पर वो प्रोसेस कैसा रहा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहे, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। बाकी सब जो इतिहास है वो आप अपनी पुरानी बुक्स में, प्रीवियस क्लासेस की बुक्स में आप पढ़ कर आए। अकॉर्डिंग टू द टू नेशंस थ्योरी, वेरी इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आती है टू नेशन थ्योरी, इसे प्लीज़ लिख लें। टू नेशन थ्योरी किसने दिया, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, प्लीज़ आप इसे याद रखें। एंड एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग, स्पेसिफिकली मोहम्मद अली जिन्ना। इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट टू कम्युनिटीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दैट इज़ वाई इट इज़ डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। द कांग्रेस अपोज्ड दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। जो मुस्लिम लीग है उन्होंने कांग्रेस की जो थ्योरी थी वन नेशन वाली, उसे अपोज किया, उसे इनकार किया और एक इंडिपेंडेंट सेपरेट नेशन की डिमांड की। But several political developments in 1940s, the political competition between Congress and the Muslim League and the British rule led the discussion of the creation of the state Pakistan. यानी कि जो discussion हुए 1940s के बाद से, उन discussion के बाद ये final हो गया कि partition होगा और Muslim League की तरफ से जो पाकिस्तान की demand रखी जा रही है उसे fulfill किया जाएगा। The process of partition, बेटा ये जो प्रोसेस है यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग करना, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम लोग 4 पॉइंट्स पढ़ते हैं और हर एक पॉइंट हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। दस इट वॉज डिसाइडेड दैट व्हाट वॉज टिल देन नोन एज इंडिया वुड बी डिवाइडेड इंटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। जिसको पहले हम ब्रिटिश इंडिया या इंडिया के नाम से जानते थे, उसे अब बाद में पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। सच अ डिवीजन वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड दैट एंड टू इम्प्लीमेंट। पहला ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हुआ और उससे बड़ा सवाल ये था कि इसे इम्प्लीमेंट या फिर इसे प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड to follow the principle of religious majorities, यानी कि जिस एरिया में जिस रिलीजन के लोग ज़्यादा रहेंगे उस रिलीजन को आप उस कम्युनिटी के लिए या उस रिलीजन के लिए फाइनल कर देंगे, ये डिसीजन लिया गया।
दिस बेसिकली मीन्स दैट द एरिया वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी वुड मेकअप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, द रेस्ट वॉज टू स्टे विद इन इंडिया. जो बाकी पार्ट है वहाँ पर इंडिया बनाया जाएगा. द आइडिया माइट अपियर सिंपल, कहने के लिए बहुत आसान था कि मेजॉरिटी वाला एरिया पाकिस्तान को दे दो और जहाँ पर मेजॉरिटी नहीं है मुस्लिम्स की उसको आप हिंदुस्तान में रखें. बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर बेटा हम प्रोसेस में डिफ़िकल्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो जो पहला डिफ़िकल्टी हमारे पास आता है वो कुछ इस तरीके से है दैट देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी. पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इंडिया का जब आप मैप देखते हो तो मैप के अंदर ऐसा कोई रीजन है नहीं जिसको आप ये कह दें कि ये वाला जो एरिया है ये आपका किसमें आता है, ये आपका मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर आता है. ऐसे कुछ बेल्ट था नहीं. बेल्ट का मतलब है पूरा का पूरा एक एरिया जिसे आप ये कह दें कि पूरी की पूरी बेल्ट किसकी है, मुस्लिम्स की है, ऐसा नहीं था. देयर वॉज टू एरियाज कंसंट्रेशन. अब दो एरियाज हमें मिले, दो एरियाज, एक पाकिस्तान के पास और एक इस तरफ बंगाल के पास हमें जो एरिया देखने को मिला वो, ठीक है, इन द वेस्ट एंड वन इज इन द ईस्ट. एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है. देयर वॉज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी जॉइंड. अब इस हिस्से को उठाकर आप इस हिस्से के साथ ज्वाइन कर दें ऐसा तो इम्पॉसिबल है. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइजेज ऑफ द टू टेरिटरीज विच इज़ द ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान. क्या डिसाइड किया गया कि आपके पास दो एरियाज बनेंगे, एक आपके पास इस तरफ और दूसरा आपके पास इस तरफ, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से. ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये हम पहले पढ़कर आए हैं फर्स्ट बुक में. ये बांग्लादेश वाला एरिया जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था. एंड ये आपका फर्स्ट जो प्रोसेस रहा, पहला प्रोसेस क्या रहता है कि एरिया डिवाइड करना कि कौन सा एरिया आप किसको दोगे, और बाद में फाइनल करना कि जो पाकिस्तान है वो दो टेरिटरीज में बनाया जाएगा, एक ईस्ट और एक वेस्ट पाकिस्तान के नाम से. सेकेंड जो पॉइंट है प्रोसेस वाले का, नॉट ऑल द मुस्लिम्स मेजॉरिटी वर लाइक, वो नहीं चाहते थे, सारे मुस्लिम्स नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में जाके मिल जाए, ठीक है. और जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, प्लीज़ ये नाम याद रखें, एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, तो ही इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, या फ्रंटियर गांधी किन के लिए यूज़ किया जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए. द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, प्लीज़ इसे लिख लें, इसके लिए शॉर्ट में NWFP वर्ड यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम में कई बार फुल फॉर्म पूछने के लिए, और आगे किताब में भी NWFP के नाम से यूज़ किया जाएगा, नोन एज फ्रंटियर गांधी. एंड हम लोग जब बात करते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली इस टू नेशंस थ्योरी को, जो जिन्ना ने दिया था, टू नेशंस थ्योरी बेसिकली ये कहता है कि दो देश बना दो इंडिया और पाकिस्तान के नाम से, और खान अब्दुल गफ्फार खान इसलिए जाना ज़्यादा जाने गए क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग, उन्होंने उसको अपोज किया. एंड इवेंचुअली हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो प्रोविंस है मेड टू मर्ज विद द पाकिस्तान, और इस NWFP को भी मर्ज कर दिया गया, किसके मतलब इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया गया और उसे पाकिस्तान बनाने के लिए फोकस किया गया. नेक्स्ट इज द थर्ड प्रॉब्लम वॉज द टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल. जैसे कि आपको पहले मैप में बताया गया कि जो ये वाला पंजाब वाला एरिया है, दूसरी तरफ जो बंगाल वाला एरिया था, यहाँ पर मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन था वो मेजॉरिटी में था, बट ऐसा नहीं है कि हिंदूज नहीं रहते थे, हिंदूज भी वहाँ पर थे. हैड वेरी लार्ज एरिया वेयर द नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी एंड इवेंचुअली इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस कुड बी लाइक बिफ्रिकेटेड. बिफ्रिकेटेड का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना. तो इन्हें डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विलेज लेवल पर इन्हें डिवाइड किया जाएगा.
एंड दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट 14-15 अगस्त, यानी कि पहले और बाद में आराम आराम से थोड़ा सा डिसीजन लिया गया, बट थोड़ा क्विक लेना था क्योंकि थोड़ा जल्दी है पार्टीशन करने की. एंड इट मेंट दैट द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेयर दे विल बी इन द पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि पता ही नहीं रातों रात ये डिसीजन लिया जा रहा है और थोड़ा जल्दबाजी में हम ये डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी पार्टीशन करना है. मुस्लिम लीग चाहती है जल्दी से जल्दी पार्टीशन या पाकिस्तान का हिस्सा हमें मिल जाए. तो मतलब सुबह होने के बाद, क्योंकि रात को पार्टीशन हो रहा है, सुबह होने के बाद दे वर लाइक अमेज्ड कि हम हिंदुस्तान में जागे हैं या पाकिस्तान में जागे. तो ये एक प्रॉब्लम थी. द पार्टीशन दैट द टू प्रोविंसेस कॉज डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ द पार्टीशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन से दो प्रोविंसेस हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो वो थे पंजाब और बंगाल. प्लीज़ इसे आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं. दिस वॉज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंट्रैक्टेबल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द पार्टीशन. अब जो चौथा प्रॉब्लम क्या है, वो ये कि जो माइनॉरिटीज़ हैं दोनों तरफ उनको किस तरीके से लाया जाएगा. जैसे इंडिया में जो हम हिंदूज की बात कर रहे हैं जिनको वहाँ से इस तरफ आना है, या जो मुस्लिम्स हैं जो वहाँ नहीं जाना चाहते, ठीक है, वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते, तो इनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा. इस पूरे प्रोसेस में हमें ये थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ा. नेक्स्ट इज द लास्ट पैराग्राफ. लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिक्स वर इन एरिया दैट वर नाउ इन पाकिस्तान एंड इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड लिविंग इन पंजाब एंड बंगाल and the some extent in Delhi and surrounded areas found themselves entrapped. कि अब हम कहाँ जाएँ और किस तरीके से अपने उस देश में जाएँ जिस देश में हम लोग जाना चाहते हैं. से हिंदूज हैं, सिक्स हैं, दे वॉन्ट्स टू बी इन इंडिया. अब वो रहते, अब आज़ादी के बाद उनका जो एरिया है, घर है, वो पाकिस्तान में पड़ रहा है, ईस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, तो वो किस तरीके से वापस आएंगे. एंड देयर वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिज़ायरेबल अलाइंस इन देयर ओन होम. अब वो अपने ही घर के अंदर एलियंस की तरह हैं कि भैया हम कहाँ हैं, देसी हैं या विदेशी हैं, हमें नहीं पता. इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज, कई सालों तक उनका घर है, सब कुछ है वहाँ पर, अब उनको छोड़ के वो सब चीज़ें जानी हैं. एंड एज सून एज इट बिकम क्लियर दैट द कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशन द माइनॉरिटीज ऑफ बोथ द साइड्स केम बिकेम ईजी टारगेट ऑफ अटैक. कॉम्युनल राइट्स होने शुरू हो गए एंड नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड, यानी कि कोई भी ना इससे बच नहीं पाया, ठीक है. और पहले से ही एज्यूम था, एंटिसिपेटेड का मतलब होता है जो पहले से ही पता हो, ठीक है. तो कुछ चीज़ें पहले से ही पता चल गई कि भैया ये सब चीज़ें होनी हैं. अब उनको आप कैसे प्रैक्टिस में लेकर आओगे, ये एक बड़ा सवाल है हमारे पास. द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड नो वन हैड एनी काइंड ऑफ प्लान फॉर हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. अब प्लान तो ऐसा कुछ है नहीं कि क्या करने वाला है, कि जो अगर कुछ बनाया भी, क्या बनाया कि ट्रेन भेजेंगे लोगों को यहाँ से वहाँ ले आएंगे, पर ट्रेन में लोग जिंदा आएंगे, मुर्दा आएंगे, ट्रेन पर अटैक कर दिया जाएगा, ये किसने सोचा था. इनिशियली द पीपल एंड द पोलिटिकल लीडर्स केप्ट लाइक होपिंग दैट द वॉयलेंस वॉज टेम्प्ररी एंड कुड बी कंट्रोल्ड सून. माना जा रहा था कि कंट्रोल कर लिया जाएगा, बट वो कंट्रोल हो नहीं पाया. बट वेरी सून द वॉयलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल एंड द माइनॉरिटीज ऑफ बोथ द साइड्स वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट लीविंग देयर होम्स एंड ऑफन एट फ्यू आवर्स नोटिस. यानी कि कुछ घंटों का समय दिया गया और उन्हें यह कह दिया गया कि आपको अपना घर ये जगह खाली करनी है. तो इट वॉज वेरी लाइक अनप्लान्ड पार्टीशन रहा, जिसके बारे में अगर कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग की भी गई तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज. हमने बेटा देखो प्रोसेस समझ लिया है. अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग जब बात कर रहे हैं तो पहला प्रॉब्लम ये है कि भैया कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान होगा, कौन सा पाकिस्तान होगा, नहीं पता. लोग टू नेशन थ्योरी को डिसरिगार्ड भी कर रहे हैं पर फिर भी उनकी नहीं चल रही है, ठीक है. मेजॉरिटी जो लोग हैं जो पंजाब और बंगाल के रह रहे हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, माइनॉरिटीज़ को एक देश से दूसरे देश में लाया कैसे जाएगा, ठीक है. और ये सब प्रॉब्लम्स हमें पता है कि होने वाली है, पर ये किस तरीके से सॉल्व की जाएंगी, इट वाज अ बिग क्वेश्चन. एंड ये बिग क्वेश्चन क्वेश्चन ही रहा और वो
ट्रॉमा की फॉर्म में हमारे सामने आया। और अब इन सब प्रॉब्लम्स के बाद इनके रिजल्ट्स क्या रहे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 3 में स्टडी करेंगे।